सिवान जिले के मारवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 के वार्ड पार्षद दुर्गेश कुमार तथा वार्ड नंबर 10 के वार्ड पार्षद दिव्यांग सूरज कुमार के बीच नगर पंचायत कार्यालय में एकलव्य को आवास योजना दिलाने को लेकर विवाद के बीच मारपीट हो गया। इस मामले में पीड़ित दिव्यांग वार्ड पार्षद सूरज कुमार ने दुर्गेश कुमार पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सिवान SC ST थाना में आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर पूछताछ किया है और मामले की जांच में जुट गया है। पीड़ित ने आरोपी वार्ड पार्षद के द्वारा अभद्र भाषा बोलने का वीडियो भी बनाया है। उसके द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया कि वार्ड 3 के एकलव्य पर अपहरण का मुकदमा दर्ज है, उसको आवास योजना लाभ देने की शिकायत ईओ से किया गया, जिसके बाद उन्होंने रोक लगा दिया था। इसी को लेकर दुर्गेश कुमार ने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसका सारा वीडियो फुटेज मेरे पास है। उसने पुलिस प्रशासन से उक्त मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाया है। इस मामले में वार्ड पार्षद दुर्गेश कुमार ने कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है। विकास कार्य में धांधली की शिकायत करने पर यह साजिश रचा जा रहा है। जी सर जी, बताइए किस चीज़ को लेकर के आपने जो वार्ड पार्षद दुर्गेश जी के खिलाफ आपने थाना में जाकर के आवेदन दिया है? ऐसा सर कि हम जनप्रतिनिधि है, ये अपना वार्ड पार्षद नगर पंचायत हम लोग का तक काम है, ये गए थे तो वहाँ पर ऑफिस में हम जब पहुँचे वहाँ पे तो देखे दुर्गेश कुमार जो है कि स्टाफ के साथ बोल रहे कि आशा देवी का फाइल निकाला जाए, आशा दिए आवास दिलाया जाए उसका। तो हम बोले कि भैया उसके ऊपर आवेदन चल रहा है, अभी थाना प्रभारी जो है ईओ सर को रुकवाए आवास दिलाने के लिए। तो बोले कि आप कौन है, आपके पास क्या प्रमाण है? तो हमने सर कहा कि ऐसा है कि थाना प्रभारी का आदेश है भैया, ऐसा करें तो उन्होंने धमकी देने लगे। क्या धमकी दे रहा है? धमकी ये देने कि आप वीडियो बना लीजिएगा तो आप देख लीजिएगा, उंगली उठा कर एकदम। अच्छा। उसके बाद हम बोले कि ठीक है भैया क्या करना है। उसके बाद हम जब कुछ कर्मचारी जो लेते कहे कि जाने दीजिए अपना झगड़ा मत कीजिए, हटाने लगे। उसके बाद हम सीढ़ी पर जैसे गए वहाँ पहुँचे, पीछे से हमको वार कर दिया के पेट पे मार दिए लाते से। उसके बाद से सीढ़ी पर हम गिरे तो यहाँ पर चोट लग गया। कुछ लोग वहाँ पे थे जो लोग छोड़ाए थे हमको। उसके बाद जब हमको छोड़ा दे तो वहाँ लोग समझाए। उसके बाद हम अपने घरे आए, घरे के बाद से जो है कि अपना बच्चे का इलाज कराए, चोट लग गया था। और उसके बाद अपने पत्नी, उसके बाद हम चले गए आवेदन दिए सिवा दुर्गेश कुमार से। पुलिस को या उनसे बात विवाद वगैरह कुछ? जैसे कि दो पहले भी ऐसा हमारे साथ अभद्र भाषा टिप्पणी किए थे अपन हमारे सीट को लेकर, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते कि छोटा छोटा बात को लेकर क्या किया जाए, लेकिन हम जो है कि ध्यान नहीं दे। लेकिन जब अंतिम चरण हो गया हमारे साथ, जो कि हमारे जाति सूचक पर अभद्र भाषा टिप्पणी किया जाए कर रहे थे, बाद में इसके बाद हमने FIR आवेदन दे दिया लाज। उसके बाद इसके पहले भी कई बार ऐसे विवाद उग्र दो हाल किए थे हमसे विवाद, लेकिन आपने थाना बजा के शिकायत नहीं किया था? नहीं किए थे कि क्या छोटा छोटा मामला ले को हम लोग का पार्षद का पद है, अपना गरिमा देख रहे हैं, इसके चलते हम नहीं आगे कर रहे। लेकिन लास्ट जब पूरा हो गया तब तो इसके बाद हम कार्रवाई किए, जब हमारे साथ मारपीट कर दिए और हमारे पास प्रमाण है हॉस्पिटल का, और हमारा एक्सरे भी है निकला हुआ है रिपोर्ट, आप इसको जांच कर सकते हैं हॉस्पिटल में भी जाके। क्या मांग करेगा जिला कवरीय पदाधिकारी है? मैं जिला कवरीय मांग करूंगा कि उनका कल का बोर्ड का बैठक है 26 तारीख को, और ये अधिकारी से आदेश दे दिए गिरफ्तारी के लिए। किसकी गिरफ्तारी के लिए? दुर्गेश कुमार का 26 तारीख को। अपना नाम बताइए। मेरा सूरज कुमार, वार्ड पार्षद।